नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में आप सभी का मैं देवपाल हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली 2020, चौखी मनेगी थारी दिवाली, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को दीपावली की। उसके बाद आप सभी के लिए एजुकेशन न्यूज लेके आऊँ सुबह सुबह की 15 बैंकर खबरें। दीपावली पर धमाल मचा दिया भाई, देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। यहाँ पे देखिएगा पहली बड़ी खबर आई हुई है, 2058 बर्खास्त पीटीआई को दीपावली का तोहफा मिला है, उन्हें नियुक्ति दे दी गई भाई। सरकार ने खेल व स्कूल विशेष सहायक के पदों पर किया है अब तैनात, यानी कि हरियाणा सरकार ने इन बर्खास्त पीटीआई को खेल एंड सहायक पद के तैनात कर दिया है। जून 2020 में हुए थे बर्खास्त, जून 2020 में ये पीटीआई बर्खास्त किए गए थे। बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दिया है। उसके बाद बड़ी खबर आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,000 किसानों के खाते नंबर गलत, फसल अदायमी अट चुकी है भाई। यानी कि 48,000 किसान ऐसे हैं जिनके खाते गलत पाए गए हैं, उनका अब जो आने वाला पैसा है वह अटक चुका है। यहाँ पे देखिएगा आरटीए के सहायक सचिवों और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टरों को राहत नहीं मिली है भाई। यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट के जो भी सहायक सचिव थे उन सभी को अब सहायक नहीं मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से राहत। उसके बाद यहां पे देखिएगा सीमा पार से गोलीबारी में 4 जवान शहीद, नवाबी कार्रवाई में 8 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। उसके बाद बड़ी खबर आई है, यहाँ पे सपना पर की थी टिप्पणी, छिकारा पंघाल गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर रागनी गायिका सपना चौधरी व उसके पति वीर साहू अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को हर छिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे देखिएगा गिरफ्तारी के विरोध में फूका सपना चौधरी और उसके पति का पुतला, यानी कि अभद्र टिप्पणी के मामले में हरत चिक्कारा और नवीन पंगाल की गिरफ्तारी से नाराज उनके समर्थकों ने शुक्रवार को सपना चौधरी और उसके पति वीर साहू का पुतला फूका है। उसके बाद बड़ी खबर आई हुई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अधिसूचना जारी की गई है। 9/2019 कैटेगरी नंबर 1 के लिए ग्राम सचिव के पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 दिसंबर से 26-27 को इसकी परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लाउज जिहाद में हर साल फंस रही है हरियाणा की 250 लड़कियाँ। इस साल फरीदाबाद में 28 मामले दर्ज किए गए हैं।